फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में तो आप ऑलरेडी देख ही रहे हैं कि बेरोजगारी का आलम बहुत ज़बरदस्त है। युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, लोग पढ़ लिख कर डिग्री लेकर और बैठे हुए हैं रोज़गार के इंतज़ार में। पिछले 4-5 साल से तो कोई नौकरी नहीं निकली, वैकेंसीज नहीं निकली हैं, तो बहुत ही बुरी स्थिति है। और जैसे कि उदाहरण लीजिए शिक्षक भर्ती का, पिछले 3 साल से सभी अभ्यर्थी परेशान हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। इसके अलावा कई ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हैं जिनमें तो वैकेंसीज ही नहीं निकल रही हैं। और जैसे एक अगर उदाहरण लें तो जो स्पोर्ट्स टीचर बनते हैं, इसका ग्वालियर में एक कॉलेज है फिजिकल एजुकेशन का, बहुत ही रेपूटेड है, वहाँ से लोग कोर्स करते हैं और उसके बाद फिर उन्हें उम्मीद रहती है कि सरकारी नौकरी निकलेगी और फिर वो उसमें अप्लाई करेंगे और फिर एक सरकारी स्पोर्ट्स टीचर बन जाएंगे। लेकिन वो चीज़ भी नहीं हो रही, कई सालों से इस तरह की कोई वैकेंसीज़ नहीं निकली हैं। तो ये जो युवा हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स टीचर बनने का कोर्स किया है, वो आज जो उनका मूल काम है उससे हटकर कोई पंचर जोड़ रहा है तो कोई चक्की चला रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में युवाओं का भविष्य संकट में है। तो हम डिटेल में इस खबर की को जानेंगे, उससे पहले चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो आइए देख लेते हैं क्या है खबर। उस खबर से पहले ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और भी है कि MPPSC ने सरकार को दिया झटका, भर्ती प्रक्रिया से भरे जाएंगे DSP के 138 पद, आयोग का निरीक्षकों का प्रमोशन करने से इनकार। तो अभी कुछ समय पहले आपने पढ़ा था कि कई लोगों का प्रमोशन किया गया था DSP के पद के लिए, लेकिन MPPSC ने उससे इनकार कर दिया है और ये सरकार को एक तरह से झटका है। आयोग ने DSP पदों पर निरीक्षकों को प्रमोट करने से इनकार कर दिया है। सरकार ने निरीक्षकों के प्रमोशन को लेकर राय मांगी थी लेकिन आयोग ने इससे इनकार कर दिया। अब MPPSC DSP के 138 पदों को भर्ती प्रक्रिया के जरिए ही भरेगा। अब हम अपनी वो खबर देख लेते हैं। स्पोर्ट्स टीचर बनने का सपना चूर, वैकेंसी नहीं निकलने से कोई चला रहा आटा चक्की, कोई बना रहा पंचर, बेरोजगार का ठप्पा मिटाने के लिए उधार लेकर खोली दुकान। ये इसमें एक अभ्यर्थी के बारे में बताया है, एक युवा के बारे में बताया है जिनका नाम है मनीष। मनीष को नौकरी नहीं मिली तो चक्की चलाकर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। तो अब आदमी कोई ना कोई काम तो करेगा ही, अगर उसे उसका मूल काम नहीं मिल पा रहा है तो मजबूरी बस, उसे तो अपना गुजारा करना है। तो ये स्थिति है, कोई चक्की चला रहा है तो मनीष भाई ये चक्की चला रहे हैं। मनीष कहते हैं सरकार यदि खेल शिक्षक की जगह निकाल देती तो मुझे परिवार पालने के लिए चक्की नहीं चलानी पड़ती, मेरा सपना चक्की के पार्टों के बीच पिस गया। इसी तरह DPED करने वाले अभिषेक पाल कहते हैं उन्होंने 10 साल पहले DPED किया था, सरकार ने जगह नहीं निकाली, मजबूरी में उसे पिता की पंचर की दुकान संभालनी पड़ी, उनका सपना पंचर की टिकली में धूमिल हो गया। तो बताइए क्या ये हालात हैं प्रदेश के युवाओं के, क्या भविष्य होगा? ये तो बहुत ही देखकर ही सोचकर ही डर लगने लगा है। ये देखिए अभिषेक पाल ने 10 साल पहले DPED किया था और आप पंचर की दुकान चला रहे हैं। और अगर प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में ये लोग अप्लाई करते भी हैं तो फिर प्राइवेट स्कूल कॉलेज में सैलरी बहुत कम दी जाती है, और उसमें भी ऐसा है कि जो ऑलरेडी किसी कॉलेज में स्पोर्ट्स टीचर है तो फिर नई वैकेंसीज फिर निकलती भी नहीं है, वो सामने वाले व्यक्ति भी क्यों छोड़ेगा वो पोस्ट। ऑनलाइन का काम करने वाले नेपाल पाल की कहानी भी ऐसी है। वह बताते हैं कि अब तो प्रदेश में हज़ारों युवा नौकरी की बाट जोहते जोहते ओवर एज होने लगे हैं। नेपाल ने नौकरी की आस में लंबे समय बाद माथे पर लगा बेरोजगारी का तमगा हटाने के लिए कर्ज लेकर कुछ माह पहले ऑनलाइन की दुकान खोली। उनका कहना है मेडल लाने की बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता
यदि स्कूलों में खेल शिक्षकों की भर्ती नहीं करेंगे तो बच्चों को मेडल लाने की प्रेरणा और ज्ञान कहाँ से मिलेगा। सही बात है, बिना शिक्षक कैसी नई शिक्षा नीति। कुल मिलाकर घूम फिर कर बात वहीं आ गई कि नई शिक्षा नीति जो बनाई है केंद्र सरकार ने और जो लागू की जा रही है, मध्य प्रदेश तो पहला राज्य है जहां इसे लागू किया गया है, लेकिन ढाक की वही तीन पात कि अगर स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है तो फिर नई शिक्षा नीति कैसे लागू होगी। नई शिक्षा नीति अगर मैथ के हिसाब से चलें तो नई शिक्षा नीति डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू टीचर्स, नंबर ऑफ टीचर्स। नई नीति में तो विषय के अलावा खेल योगा सहित अन्य गतिविधियों के शिक्षक होना अनिवार्य है। तो ये हालत है, ना तो स्पोर्ट्स टीचर है स्कूलों में, ना सब्जेक्ट टीचर्स हैं और ना लाइब्रेरियन हैं, तो फिर काहे की नई शिक्षा नीति। क्या सिर्फ शिक्षा नीति किताबों पर ही, कागजों पर ही रहेगी? प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है, बाकी देखते हैं आगे आने वाले समय में राज्य सरकार या केंद्र सरकार इस दिशा में कोई कारगर कदम उठाती है नहीं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।